देखो आ चेहरे लगते भी धरने से बैठने वाले से मजदूरी करने वाले हाथ है मैडम जी, पर अज किसान मजबूर हो गया तो मजबूर होए ने एक कदम चक्या। जो अज असं इतने आए हैं अज अपनी घरों गड्डी लेके तेल पा के राशन लेके अपना रोटी खाना लेके नाल आए हैं। जोड़े काले कानून साढ़े तो चलाए और रद्द करा के हटा, जिन्ना चिर तक रद्द नहीं करते असं उन्ना चिर इतने बैठा। चाहता है कि जो 3 आर्डिनेंस अपना कानून बनाया भारत सरकार ने उसको रद्द कराना चाहता है। क्यों किसान तो शांतमई इस धरने पर बैठ रहे, अगर किसी ने टपना है तो वह किसान की कोई बात नहीं है। ये जिहड़ा धरना अज लग रहा है बिल्कुल शांतमई लग रहा है, किसी के नाल इत्थे कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी, कोई कानून की इत्थे उलंघना नहीं की जाएगी, इत्थे बिल्कुल शांतमई जिहड़ा रोस धरना इत्थे किसानां दे वल्लों दित्ता जा रहा है। अगर इस तरह जे चलता रहूगा तो कितने ना कितने जाके जिहड़ा है किसान पुत नूं भी अपना हत्थ जिहड़ा चकना पैना है। नमस्कार, मैं अनुपमा, आप देख रहे हैं डबवाली केसरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डबवाली के जो बठिंडा रोड है, पंजाब की सरहद पे मौजूद है ये बठिंडा रोड है ये। तो आपको बता दें कि किसान के लिए जो कृषि कानून बनाए 3 उसके खिलाफ किसानों का जो कूच था वो दिल्ली के लिए निकलना था 25 और 26 को। किसानों का जो कूच दिल्ली के लिए रवाना होना था उनको विफल करने के लिए सरकार ने जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर थे वो सील कर दिए। किसान हैं वो हरियाणा में एंटर ना हो सके, इसलिए सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा यहाँ पे जो बॉर्डर है वो सील कर दिए गए थे। हरियाणा में बात करें तो कई जिलों में किसानों को रोकने के लिए किसानों पर बौछारे, पानी की बौछारे भी की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि डबवाली की इस वक्त हम बात करें तो डबवाली में आप माहौल देख सकते हैं कि यहाँ पे किसान जो हैं वो अपना डेरा है वो जमा लिया है, जो लंगर पानी की जो सुविधा होती है वो किसान जो साथ लेकर अपने चल रहे हैं। किसानों ने अनाउंस कर दिया था कि प्रशासन हमें कहीं भी रोकने की कोशिश करेगा तो वहीं हम अपना पक्का धरना लगा लेंगे। तो हम बात करें कि रात को काफ़ी बारिश हुई जिसके कारण जो किसानों की जत्थेबंदियाँ थी वो अलग अलग हो गई, जिसका फ़ायदा प्रशासन ने उठाया और जो अपना इंतजाम था उसको और भी कड़े कर दिए, और जो बैरिगेट्स लगाए गए थे उनको डबल कर दिया गया है, और बड़े बड़े पत्थर और बैरिगेट्स लगा के जो उनका इंतजाम था और मजबूत कर लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किसानों ने अपना डेरा जमा लिया है। राशन पानी की हम बात करें तो किसानों ने बताया कि हम अपना पूरा राशन पानी लेकर चले हैं, अगर प्रशासन ने हमें रोकने की जहाँ भी रोकने की कोशिश की हम वहीं अपना पक्का डेरा लगा लेंगे। बलविंदर सिंह जी, धरने को 2 दिन हो गए हैं, सरकार ने इंतजाम और भी कड़े कर लिए हैं, किसान अब क्या करें? किसान आर पार की लड़ाई करूगा जी, जिन्ना हो सके जिन्ने दिन चलू प्रोग्राम लंगर का दे जाने तो कम इवें चलूगा जी, चलूगा जी कम। लंगर का प्रबंध है कितने दिनों के लिए किसान? इन्ना जो साल चली जाए लंगर का प्रबंध फुल है जी, फुल है डबल ही नगर चो आई जाए हरियाणा जी, बहुत लंगर है जी, हाँ डबल पिंड ही चली जाता जी, दुध पानी जो किसी चीज़ की जरूरत है असं देवे जी। कि हमने बातचीत की किसानों से, किसानों का कहना है कि अब किसान है आर पार की लड़ाई लड़ेगा, अगर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं तो वहीं किसान के भी देख सकते हैं कि आप इंतजाम जो पूरे किए हुए हैं, चाहे ये धरना 1 साल चले, किसानों का जो इंतजाम किया हुआ है किसानों ने पक्का किया है। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम? मेरा नाम जी ढाडी रणजीत सिंह, मौड मंडी, जिला बठिंडा। भाई नत्था भाई अब्दुल्ला ने जो साड़ी पंजाब की ढाडी सभा बनी है वह मैं मीत प्रधान हाँ बठिंडे जिले तो, अज अपनी जथे समेत दिल्ली आने वास्ते असं आए हैं, तो सानू बार्डर पर रोकया गया, तुसीं देख रहे हो असं अपनी तैयारी करके आए हैं भी जिथे साडे किसान भाई जा रहे ने अपना हक लैण वास्ते, जो मोदी सरकार ने काले कानून साडे पंजाब ते मड़े ने, किसानां दा हक मारिया उहदे लई असीं भी अपनी आवाज़ उठाउण ला रहे हैं, भावें साडा गुरु घरां च कम है अपना कीर्तन करना ढाडी वारां गाउणा, उदों असीं बुकिंग हो के जाने हैं 20-25 हज़ार रुपये ते, पर जो अज असीं इत्थे आए हैं अज अपनी घरों गड्डी लैके तेल पा के राशन लैके अपना रोटी खाना लैके नाल आए हैं, तो अज सानूं इत्थे रोकया गया, कहो मेरी उधर गड्डी खड़ी है 90-50
तो आ मेरा बेटा है, आ बेटिया ने असी आपका प्रोग्राम गाने का साडा ढाडी जिथे का मतलब पूरी फैमिली के साथ आज आप किसान। हाँ हाँ पूरी साड़ी आपकी टीम है जी फैमिली के नाल असं इतने प्रदर्शन करने वास्ते आए हैं। हाँ जे सानू सरकार अगे टप्पण दे तो असी अगे भी नाल जावांगे शांति नाल, ये नहीं धक्का नहीं। जे असी चाहिए ये जेडे वाडर बुडर है असी पंजाबी हाँ तो पंजाबियों मूहरे पत्थर वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि अज तक पंजाब नू बड़ा लुटिया बड़ा कुटिया पर पंजाब हारिया नहीं, तो अज भी नहीं हारेगा जितेगा। जो भी चढ़ के आंदा रहा अबदाली आया शाहजहान आया हिंदुस्तान से चढ़ के आ रहे ये साढ़े पंजाबी भाई ने, असी रोटियां हाथ दे छक के खा लें तुसी वेख रहे हो ना सारा कुछ। हाँ असी इदा नहीं भालते भी साड़ी कनात लगे सानू थाल च मिले, जिते भी खाना मिलता सौना जे फमा इतने मीह पैन लगे तो भी असी इदा खड़ांगे। ये साडे भाई आए ने, साडी सोच है साडी जमीन है साडी वो मां बोली है जिहदे उत्ते असी हल बोने खेती करते हैं, तो पर अज साडा हक मारिया जा रहा है। पर साडे पंजाब च भी जिहड़ियां राज पार्टियां है बादल पार्टी है ये इन्होंने अडानी वानी जिहड़े मोदी नाल इन्हां दी जुंडली है इन्होंने जो सारा कुछ किया हो समझते हैं, पर अज असी सारे लीडरां नूं छड्ड के साडे नाल कोई लीडर नहीं है, ये सारे किसान ये ग्राहां जुनिया एकता जिन्हिया जथेबंदियां पंजाब दियां असी अपना हक लैण वास्ते दिल्ली जा रहे हैं। अब किसान के साथ साथ किसान की जो फैमिली है वो भी यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि किसान की फैमिली के साथ किसान के बच्चे भी यहाँ आए हैं। तो आज जो सरकार है इतना मजबूर कर दिया है कि किसान के साथ साथ किसान की फैमिली को भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्या कहना? हाँ जी जरूर जी सही गल है बिल्कुल, बीबियाँ भी साढ़े नाल जा रही ने असी भी जा रहे हैं, देखो अगे की बनता है जे सरकार ने ना रोकिया, बाकी उन्हों की मर्जी है, बाकी असी डट के सामने आए हुए हैं तुहानू सारा कुछ पता है। करणजीत मेरा नाँ है, पिंड लाल भाई है, असी ये धरने पर आए हुए हैं, जेडे काले कानून साढ़े ते चलाए आ वो रद्द करा के हटांगे, जिन्ना चिर तक रद्द नहीं करते असी उन्ना चिर इत्थे बैठांगे। इरादा रोटी प्रशादे सारे सारे तैयार है, तीन महीने का राशन पानी लए हैं, इन्हों ने संगल ला रखे मूहरे, जिन्ना चिर इन्हों संगल नहीं टुटते उन्ना चिर असी भी इत्थे आवांगे, जाते नहीं असी घर आ के आए हैं भी कोई साडा परिवार ना मनो साडी रोटी असी उत्थे खावांगे। हाँ जी असी तीन महीने का प्रोग्राम लैके तुरे हैं, असी उन्ना चिर नहीं उठते जिन्ना चिर साडे कानून लागू ना रद्द नहीं करते जी। हाँ किसान तो शांतमई इस धरने पर बैठ रहे, अगर किसी ने टपना है तो वह किसान की कोई कोई बात नहीं है, ये जिहड़ा धरना अज लग रहा है बिल्कुल शांतमई लग रहा है, किसी के नाल इत्थे कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी, कोई कानून की इत्थे उलंघना नहीं की जाएगी, इत्थे बिल्कुल शांतमई जिहड़ा रोस धरना इत्थे किसानों द्वारा दिता जा रहा है। कई जिलों में जो है बैरीगेट्स तोड़े गए हैं किसानों द्वारा और किसान और जवान आमने सामने हुए हैं, तो इसके लिए भी कोई रणनीति किसानों ने बनाई? देखो इस तरह की कोई अज तक गलबात नहीं है, जिथे कि कोई बैरीगेट तोड़े गए हैं तो उत्थे इत्थों का जिहड़ा माहौल सीगा भी उत्थां ने कानून के वल्लों जिहड़ा इन्ना सख्त प्रबंध किए गए सीगे, जिवें अंबाले दे गए है जां खनौरी दे बार्डर तोड़े गए है, तो उत्थे बड़ी बड़ी तादाद दे विच जिहड़े किसान लोग भी हाजिर सीगे। अगर इस तरह जे चलदा रहूगा तो कितें ना कितें जाके जिहड़ा है किसान पुत्त नूं भी अपना हत्थ जिहड़ा चक्कना पैणा है। उन्हां नूं किसानां दे हक मिलने चाहीदे आ, पंजाब दे विच किन्नी खेती हुंदी आ, किन्ना पंजाब दा जिहड़ा नौजवान आ किन्ना बार्डरां ते खड़ा, की इह सरकारां नूं गल भुल गई आ कि पाकिस्तान की जंग तो बाद हरी सिंह नलूवाल गया दा इतिहास भुल गए आ, असल दे विच जिहड़ा अज पंजाबियों नूं ना जी खज्जल खुआर करन वास्ते सरकार ने ना जी अड्डी तो लैके सिर तक दा जोर लाया होया, जिहड़े मूर्ख लोग ने उह कुर्सियां ते बैठे आ, इन्हां दा की कसूर आ जिहड़े आपदे जवाकां नूं छड्ड के आपदे निक्के निक्के आपदी खेतीबाड़ी नूं छड्ड के आह दिनां दे विच इत्थे फिरदे आ, आह बजुर्ग अवस्था दे विच सियाल दे दिनां दे विच इह धरनिआं ते बैठण गया के इह तां जिम्मेवार कौण आ, इहदे जिम्मेवार सरकार आ, सरकार जाण बुझ के खज्जल खुआर कर रही आ, जो बनते हक वह दिते जाण, धरना लग चुकिया शांतमई लगेगा, ये कोई किसी ने किसी खज्जल खुआरी नहीं करनी, सरकार आप चाहे तो वह करा सकती है, किसान कोई भी आ देखो इधर इन्हों वल देखो ये तो लगता भी ये बैरीगेट तोड़ के लंघ जाएंगे कि ट्रकों को धक्का ला देंगे, आ लगते आ चेहरे आ नमोशी के भरे हुए आ मजदूरी के मारे हुए गरीब चेहरे आ देख लो, ना ना कोई किसानों पूरा हक मिलता किसानी का, ना जोड़ा कोई फसलवाड़ी का बेचता जो बेचता ना जाके उदो उदा भी हक नहीं पूरा मिलता, फिर किसान अक्या करू की आ लग गया जी टेंट इत्थे बैठना जी आराम नाल सारे ने, गुरु महाराज कृपा करन चढ़दी कला बख्शन सारयां नूं, इसे तरह चढ़दी कला रहूगी सारयां दी। बेचदे पैड़ी साडे राही बेचो
महीना हो गया मैनू नरमा बेचे नू मजबूर नू पैसे कितों देवा कितों चोणे नू पैसे देवा कितों तेल पाव कितों बी लिया महीना हो गया हजे खाते च पैसे नहीं आए बैठे जेडे ना पीजे बर्गर खांदे आ ना आ इत्थों तैयार होके जांदा ते इहदे कपड़िआं दा हाल तां देखो आ वेखो आ धूणी दा पिया होया ना छिट्टा कपड़ा साड़िया होया ते आ किसान अज सड़कां ते लुटदा रुलदा फिरदा उहदा जिम्मेवार कौन आ सरकार आ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਵੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਭਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਖਾਲਸਵਾਰ ਨੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਵੰਝ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਚਿਹਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਖ ਲਓ 76 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ DAP 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ ਯੂਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਖਪਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਤਾਂ 1900 ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਨਰਮਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ 10,000 ਵਿਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗਮਾ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਕੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਅੱਜ 4,000 ਨੂੰ ਵਿਕੇ ਝੋਨਾ ਵਿਕੇ ਨਰਮਾ ਸਾਡਾ 10,000 ਨੂੰ ਵਿਕੇ ਸਾਡਾ ਗਵਾਰਾ 10,000 ਨੂੰ ਵਿਕੇ ਛੋਲੇ ਵਿਕਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਕੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 85-90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਫਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫਰੀ ਹੈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਪੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਆਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚ ਕਰ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗੀ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਘ ਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਕੋ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਅਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੋ MSP ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਉਸਕੋ ਔਰ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਤੱਕ ਹਮ ਤਿਆਰੀ ਮੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਸਭੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰੇਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਹੀਂ ਵੀ ਹਮਾਏ ਮਤਲਬ ਰੋਕਾ ਜਾਏਗਾ ਵਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬੈਠੇਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੇ ਹੱਥ ਪਾਈ ਕਰੇਂਗੇ ਅਤੇ ਜਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾ ਲਏਂਗੇ ਹਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿੱਧਰ ਟੱਪੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵੋ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਕੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਲਿਆਏ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
कि जिदे कोले 5 किले वाहन है तो 5 किले वाले 85% बनते हैं पंजाब के किसान, 15% जिदे कोले 5 किले तो कोई थोड़ी बहुत वध होगी, 2-4% होंगे जिदे कोले सैकड़े एकड़ भी हो सकती है। हुण 5 किले कोई बेच के करोड़ रुपये तो वह बनते नहीं, सने घर बार भी बेचते। इस किस्म का जिन्हें जमा नंगा चिट्टा जिहड़ा इस किस्म का हिक का धक्का है, ये सरकार का नजायज़ है। जिहड़ा मोदी कहिंदा वी मेरे 70 इंच की सत्त ही है, 56 इंच की, मैं जिहड़ा फैसला कर लिया वापस नहीं मुड़दा। असीं सवाल करदे उस मोदी साहब नूं जिहड़े वो कहिंदे पिछे नहीं मुड़ना, फिर साडे नाल गलबात वास्ते कदों बुलाया सी दिल्ली, तो हुण सानूं 3 तरीक का सद्दा कदे वास्ते दित्ता है? तो दूजे पासे आ बैरीकेड करा के दिल्ली जाण तों रोकिया होया, सिरे दा जबर वाली गल है। जिहनूं जिहड़ा गलबात है दोगली नीति है, क्योंकि जिहड़ी जन सधारण जनता है उहदे च रोस वध रिहा है भी सेंटर सुणदा क्यों नहीं, वो आ रहे है उस जन सधारण जनता नूं रोकण वास्ते है भी हुण भाई सरकार ने सद लिया, शायद कोई ना कोई निबड़ी जाणी आ, हुण मोर्चे की की लोड़ है? ये इस किस्म दा धोखा देण दी गल आ लोकां नूं। किसान को आज कुछ करना था दिल्ली परंतु नहीं कर पाए हैं, तो आगे की क्या रणनीति है किसान? असीं 26-27 का दिल्ली रखा सी, ना कि ऐ सी भी कुछ 26-27 जाके दिल्ली मुड़ना है, उत्थे बकायदा लम्मा समा मोर्चा लगना सी गया। जे अज सानूं रोकता दिल्ली वाला मोर्चा हो इसे लग गया, इहदे करके जिहड़ी रोड रुक गई, रोड रुकण करके बहुत सारी समस्या आउणी है लोगों को। असीं उन्हां लोगों को कहने भी वो रोस जिहड़ा उन्हां दा बणदा उपजदा है आ रोड रुकण करके, ये किसानां ने नहीं रोकी रोड, ये तो इन्होंने जबरी सानू रोकया होया, असीं तां दिल्ली जाना सी गया, हरियाणा सरकार ने रोके है। ये हरियाणे दे सेंटर के खिलाफ उन्होंने लोगों का रोस जाना चाहिए, तो धरने के असीं उन्हें अपील करते उन्होंने धरने चाहना चाहिए।